कलेक्टर नेहा शर्मा ने आज तहसील नरवर के गेहूं क्रय केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के द्वारा सबसे पहले हाथीपुर गांव के गेहूं क्रय केंद्र का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्र प्रभारी उपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने केंद्र प्रभारी से किसान संपर्क रजिस्टर मांगा, जिसे उनके द्वारा बनाए तो गए हैं लेकिन कोई एंट्री नहीं हुई है। इस पर उन्होंने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि प्रत्येक दशा में सभी किसानों से संपर्क करते हुए संपर्क रजिस्टर में उनके नाम मोबाइल नंबर अंकित किए जाएं और लगातार उनसे संपर्क भी किया जाता रहे। साथ ही जिलाधिकारी ने कृषि विभाग के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि उनके द्वारा यह भी आकलन किया जाए कि किस क्षेत्र में गेहूं की कितनी पैदावार हुई है। क्रय केंद्र ये जो है हाथीपुर ग्राम सभा में, यहाँ पर हम लोग उपस्थित हुए हैं और विपणन का ये केंद्र है, जो विपणन शाखा का केंद्र होता है मार्केटिंग का। इसमें बेसिकली क्या व्यवस्थाएं, जो दिशा निर्देश दिए गए थे उस प्रकार की व्यवस्थाएं यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं है, इस बाबत यहाँ पर निरीक्षण किया गया है और मौके पर जो हम लोगों को क्रय केंद्र प्रभारी मौजूद मिले हैं उनके द्वारा हमें रिकॉर्ड्स वगैरह दिखाए गए हैं। जो कांटे मंडी के द्वारा यहाँ पे दिए जाते हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉनिक कांटे भी यहाँ पे मौजूद थे। इनके द्वारा ईपॉस मशीन और लैपटॉप का भी प्रबंधन किया गया है। नमी मापक यंत्र भी मिला है मौजूद। अभी चूंकि यहाँ पर गेहूँ कटान जो है वो थोड़ी सी लेट आवक होती है, खरीद जो होती है तो अभी नहीं हुई है। और अन्य व्यवस्थाओं को भी सुदृढ़ करने के निर्देश दे दिए गए हैं, जैसे कि पीने के पानी की व्यवस्था बता रहे हैं कि हैंडपम्प है लेकिन छाँव की व्यवस्था नहीं दिखी, उसको करने के लिए भी क्रय केंद्र प्रभारी को निर्देश दिए गए। अभी हमने स्थानीय प्रधान महोदय जो हैं उनसे भी इस बाबत बात की है कि और लेखपाल भी मौजूद हैं, तो क्षेत्रीय जो स्थानीय जितने भी लोग हैं जो कटिंग एज पर काम करते हैं उनके माध्यम से भी इस बात को प्रचार प्रसार कराया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि जो भी किसान है उसको कम से कम मिनिमम सपोर्ट प्राइस के नीचे किसी भी दशा में बेचने की वो व्यवस्था ना हो, उसको खत्म करने के लिए आढ़ती और बिचौलियों की जो अव्यवस्था होती थी उसे खत्म करने के लिए क्रय केंद्र सुचारू रूप से संचालित किए जा रहे हैं और लोगों के बीच में भी इसका जनमानस में अधिकाधिक प्रचार प्रसार हो और कृषकों को इसका लाभ मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, जेके न्यूज़।